सकते हैं 2 मिनट में क्या? काम क्रोध लोभ बढ़ा धरती पर पहला ही जो नाट्यशास्त्र आता है, नाट्यशास्त्र, ये मेरा नाट्यशास्त्र, मैंने लिखी एक किताब, इसको 11 नाट्य संग्रह से नाम है इसका। और शिष्यगण भरत मुनि के पास पहुंचते हैं और पहला श्लोक नाट्यशास्त्र का पहला ही का परिभाषित और प्रमाणित करता है कि प्रणम सिरसा देवो पिता महेश्वरौ नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा युद्धदाहतम। मतलब पितामह ब्रह्मा और स्वयंभू जो भगवान शंकर है उनको प्रणाम करते हुए नाट्यशास्त्र आप सबके लिए प्रस्तुत है। और दूसरी बात कहते हैं, नाट्यशास्त्र मैंने नहीं लिखा, मुझे ब्रह्मा जी ने दिया। ब्रह्मा जी को देने का प्रयोजन ये था कि त्रेता युग में लोगों के मन में काम क्रोध लोभ जैसी भावनाएं बढ़ी और इस कारण से वो दुराचार अनाचार में लिप्त रहने लगे, क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे और शिक्षण का जो वेदों का माध्यम था वो सिर्फ ब्राह्मण या क्षत्रियों के पास था। इस कारण देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपको ये ऐसा क्रीडनीयक बनाइए जो सबके लिए लाभप्रद हो, सबके लिए मनोरंजक हो, सबको सिखाने वाला हो। और फलस्वरूप उन्हें चारों वेदों का स्मरण करके ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्वेद से रस को लेके एक पंचम वेद नामक नाट्यशास्त्र की ग्रंथ की रचना की और कहा कि यह सबके लिए हितकारी होगा और देवताओं को दिया। परंतु देवताओं ने उसको लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। असमर्थता व्यक्त करने का कारण था कि उन लोगों का जो मन स्थिति है वो सात्विक प्रवृत्ति की नहीं थी, दूसरा उनका कुटुंब नहीं था। तो नाट्य विधा के लिए एक तो संत की प्रवृत्ति होनी चाहिए और दूसरा उनका कुटुंब होना चाहिए। तो ऐसे एक व्यक्ति को खोजा गया जिनका नाम था भरत मुनि। भरत मुनि जी को नाट्यशास्त्र दिया गया, उन्होंने उसकी शिक्षा अपने शिष्यों को दी और उसका पहला प्रदर्शन करने की आज्ञा ब्रह्मा जी से मांगी। कल की कहानी में कुछ कहानियां अब मूल रूप से मैं ऐड करूंगा, क्योंकि कल थोड़ा सरलीकरण था, आज उसका परिभाषित करण। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि अब इसको मंचित किया जाए, तो उन्होंने कहा इंद्र ध्वज महोत्सव नाम का एक फेस्टिवल होता है, उसमें पहला हम इसका मंचन करते हैं। तो इंद्र ध्वज महोत्सव में पहले नाटक का मंचन हुआ जिसका नाम था देवासुर संग्राम, जिसमें देवताओं की विजय, असुरों की पराजय दिखाई गई। असुर क्रुद्ध हो गए तो असुरों ने कहा ब्रह्मा जी के पास जाकर के, प्रभु ये कैसे हैं, देवता भी आपकी संतान है और हम भी आपकी संतान है, हमारे लिए आप अहित दिखा रहे हैं और देवताओं के लिए आप हित दिखा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते नहीं पुत्र, ऐसी बात नहीं है, ये नाट्यशास्त्र जो विधा है वो प्रदर्शन की विधा है और व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका ही प्रदर्शन हम नाटक विधा में करते हैं। मतलब समाज में जैसा आप आचरण करेंगे, जैसा आपका व्यवहार होगा उसी का मंचन होगा। अगर आप अच्छा आचरण करेंगे तो स्वाभाविक है अच्छे आचरण का प्रदर्शन होगा, और गलत करेंगे तो हम आपको अच्छा बना के प्रेजेंट नहीं करेंगे, गलत मतलब गलत और सही मतलब सही। तो इस तरह से नाट्यशास्त्र का पहला मंचन हुआ, लेकिन देवता क्रुद्ध, असुर क्रुद्ध हो गए थे, तो उनके प्रभाव को कम करने के लिए फिर इंद्र ने उनको जर्जर नाम का उनका जो ध्वज था, उनका जो अस्त्र है, उससे वो विहीन कर दिया बॉडी के, वो कर दिया। देन उसके बाद दूसरा जो नाटक होता है, उसके बाद ऑडिटोरियम की कल्पना की गई और ऑडिटोरियम में आपको विश्वकर्मा जी को बुलाया गया और विश्वकर्मा जी ने 3 प्रकार के ऑडिटोरियम बनवाए, विकृष्ट, चतुरश्र एंड त्रिअश्र। और टेक्निकल एस्पेक्ट में समझिए रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, मतलब आपके पास एरिया है प्लॉट, उसमें ऑडिटोरियम बनाना है। ऑडिटोरियम बनाए गए इनके 3 प्रकार के साइज, ज्येष्ठ विकृष्ट, मध्यम विकृष्ट और कनिष्ठ या अवर विकृष्ट, मतलब बड़ा साइज का ऑडिटोरियम, मीडियम साइज का ऑडिटोरियम और स्मॉल साइज का ऑडिटोरियम, तीनों के हिसाब से, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और आपका ट्रायंगल, तीनों के हिसाब से। लेकिन भरत मुनि भी कहते हैं, विश्वकर्मा भी कहते हैं कि तीनों प्रकार के ऑडिटोरियम में मध्यम विकृष्ट ज्यादा अच्छा है। उसका कारण यह है कि मध्यम प्रकार का जो ऑडिटोरियम होता है, ज्यादा बड़ा ऑडिटोरियम होगा तो हमें एक्सप्रेशन नहीं लगेंगे, डायलॉग सुनाई नहीं देंगे, और छोटा होगा तो बिल्कुल बगल में ही है और बिल्कुल पास होने से उसका जो आनंद का स्तर है या जो करेक्टराइजेशन है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सामने ही बैठा हुआ है। तो मीडियम तरह का जो ऑडिटोरियम है जिसको मध्यम विकृष्ट बोलते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म आप याद रखना, आपके पेपर में काम आएगा। तो मध्यम विकृष्ट उपयुक्त नाट्य मंडप का वो माना गया, इमेजिनेशन। और हिस्ट्री, इतिहास, ये भी ग्रीक वर्ड हैस्ट्रे से बना है जिसका भी अर्थ होता है कल्पना। तो इतिहास कभी सत्य नहीं होगा और कभी असत्य भी नहीं होगा, उसी तरह से मिथ पूरा सत्य नहीं होता, असत्य नहीं होता। आज एक कोई परंपरा चलती रहे, हम बाहर एक मंदिर पे एक छोटा सा मिट्टी का या पत्थर का टुकड़ा रख दीजिए, उस पर तिलक वगैरह लगा दीजिए, धीरे धीरे पूजा अर्चना होने लगेगी और वो परंपरा बन जाएगी। जैसे बहुत सारी कि कहते हैं भैया बिल्ली ने रास्ता काट लिया, बाहर मत निकलो, छींक दी, बाहर मत निकलो, और वही क्वेश्चन आप अपने पापा मम्मी से पूछिएगा कि ऐसा क्यों, तो कहीं पूछो नहीं, ज्यादा सवाल मत करो, जो कह रहे हैं वो करो।
उसका प्रयोजन नहीं होता कि उनका आंसर उनको भी नहीं मालूम होता, लेकिन वो परंपरा में ऐसी आ गई है, वो हमारे हैबिचुअल रिचुअल में ऐसी बन गई है कि हम उसको फॉलो करने लगे हैं। तो बहुत सारी ऐसी आस्थाएं, नाटक के विचार इनमें आते चले गए। मुद्दा यह था कि नहुष के सामने नाटक का प्रदर्शन किया गया, नहुष ने जैसी नाटक को देखा उनको बहुत आनंद किया और अपना समय फल भोगने के बाद वो ऊपर चले गए और आधुनिक समय में नाट्य भूलोक पर स्थापित हो गया। पहला चैप्टर इतिश खत्म, क्लियर, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रस एंड भाव, हेडिंग डाल लीजिए रस एंड भाव। जैसे ही रस हम सुनते हैं, रस के सामने हमारा सीधा नाम आता है, गन्ने का रस, आम का रस, मौसमी का रस, सुना है आपने ये सब रस। देखिए नींबू लिया और नींबू को ऐसे निचोड़ा, निचोड़ा ना तभी रस निकला। गन्ने को लिया, गन्ने को मशीन में डाला, रगड़ दिया बिल्कुल उसको। रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो यही है, रगड़ना, मथना और निचोड़ना। वहां पर वो नींबू निचोड़ रहे हैं, वहां पर वो गन्ना निचोड़ रहे हैं, यहां अभिनेता अभिनेत्री या नर्तकी भावों को निचोड़ती। जहां आप अपने अभिनेत्री के खुद के, पहले आपको खुद के भाव निचोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खुद के भाव में वो फील नहीं करोगे तो सामने वाले दर्शक को कुछ नहीं समझ आएगा। मैं सर को, मैं और सर एक अभिनय कर रहे हैं, इसमें मैं सर को पिता मानता हूं और सर मुझे पुत्र मानते हैं। अगर मेरे अंदर सात्विक प्रवृत्ति में जब तक नहीं मानूंगा कि ये मेरे वास्तव में पिता हैं, इनको फील नहीं होगा, क्योंकि मैंने इनको पिता नहीं माना। मैं अभिनय कर रहा हूं नकली और दिखेगा, लेकिन मैंने सात्विक रूप से उस अभिनय एक घंटे के पैरामीटर में माना कि ही इज माई फादर, इनको फील होगा कि यार ये पुत्र है। और जहां हम दोनों ने फील किया, दर्शक भी उसका आनंद लेने लगे। तो जहां रस का अर्थ होता है रगड़ना, मथना, निचोड़ना, जिस प्रकार से समुद्र में, अब देखिएगा, अब रस से पहले अपन फिर भाव पढ़ेंगे, क्योंकि रस को समझाने के बाद मैं भाव पे जा रहा हूं, क्योंकि भाव से ही रस बनेगा। जिस प्रकार से, ये मैं बात नहीं बोल रहा हूं, ये भरत मुनि ने कहा कि जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मसालों को मिलाने से स्वादिष्ट व्यंजन बनता है, जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मसालों को मिलाने से स्वादिष्ट व्यंजन बनता है, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के भावों को मिलाने से रस बनता है। ध्यान रखिएगा ये बात, एक भाव से कभी रस पैदा नहीं होगा। देखिए, ताल लयाश्रम नृतः, भावाश्रम नृत्य एंड रसाश्रम नाट्य। जहां चीजें बढ़ती चली जाएंगी, नाटक में एक भाव नहीं होता। शकुन